हाय भाभी, कैसा लग रहा हूँ मैं? ठीक है। अरे वाह मनन जी, आपको इतना स्मार्ट देखकर समय जी कहीं आज ही रोके के लिए हाँ ना कह दे। मनन कुछ ज्यादा नहीं लग रहा है क्या? आई मीन डिनर है, कोई रसम नहीं होने वाली जो इतने जलवे बिखेर रहे हो। अपनी होने वाली पत्नी को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, करने दीजिए ना। मैं देखता हूँ। ब्रो तू चिल कर, मेरी होने वाली मंगेतर है, मैं जाकर देखता हूं। ये मेरा घर है। तू आराम से बैठना, मैं मां से थोड़ा दरवाजा खुलवाऊंगा। यू रिलैक्स, मैं देखता हूं। हाँ हाँ मनन जी, आप बैठ जाइए। हाय आदित्य, मैं आए? हाँ या, आओ ना। समय समय आ गई। हाय मंगल। हाय मनन। हाय, आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट, यू लुकिंग ऑसम। ओह थैंक यू। सच में बहुत सुंदर लग रही है सौम्य जी आप। थैंक यू मंगल, आई रियली लाइक योर स्टाइल। रियली थैंक्स। अरे जी देखा आपने, सौम्य जी को मनन जी इस ड्रेस में अच्छे लगे। अभी थोड़ी देर पहले ही बोल रहे थे कि मनन जी ज्यादा तैयार हो गए। आई लाइक द फ्रेग्रेंस यू आर वेयरिंग। थैंक्स अगेन। फिर तो आपके टेस्ट की दाद देनी होगी सौम्य जी। मंगल तुम अंदर से पानी शरबत कुछ लेकर आ जाओ, कुछ स्टार्टर्स लेकर आ जाओ। जी। अरे वाह, तो गजब की जोड़ी लग रही है। भाभी दी समोसा आर जस्ट ऑसम। भाभी सच कहो ना तो आपके हाथों में जादू है। अगर आपको इतना पसंद आया मनन जी तो मैं भी बनाना सीख लेती हूँ। क्यों मंगल, एक क्रैश कोर्स हो जाए? सौम्य जी आपका जब मन करे आप आ जाइए, बहुत आसान है ये बनाना। आदित तुम भी तो लो, तुमने कुछ खाया ही नहीं। मनन जी उनका पेट ठीक नहीं है। क्या बचपना है, हद है यार। नहीं बर्दाश्त हुआ ना बच्चू। आदित ये क्या कह रहे हो तुम, और इतने गुस्से में क्यों हो? वो अम्मा मैं कह रहा था कि समोसा खत्म हो गया है, मंगल अंदर से क्यों नहीं लेकर आ रही है? देखो सिर्फ एक ही पीस बचा रह गया है। अरे मेरे दिमाग से निकल गया, मैं अभी लेकर आती हूँ, सॉरी। अरे मंगल रुको ना, हम दोनों शेयर कर लेंगे। क्यों मनन जी, यू डोंट माइंड ना? थैंक यू। वैसे सौम्या तुम्हें मूवीज देखना पसंद है? पसंद है, लेकिन घर पे सोफे पर कोजी होके विद अ टब ऑफ पॉपकॉर्न। सेम, मुझे भी मूवीज घर पर देखना ही पसंद है। एंड तुम्हारा फेवरेट एक्टर? वैसे तो यही है। एक्टर अनन, क्या बचपना है ये, ऐसा लग रहा है तुम उसकी इंटरव्यू ले रहे हो, छोड़ दो यार उसे। आदित दोनों बात कर रहे हैं, करने दो ना।
हाँ बट आंटी आदित्य बिल्कुल सही कह रहा है। एक्चुअली मुझे भी थोड़ा सा अजीब ही लग रहा था वो सब सवाल पूछने में। वैसे हम सब मिलकर कोई गेम खेलें। आदित्य वो हम बचपन में खेलते थे ना ट्रूथ एंड डेयर, वो खेलते हैं, बड़ा मजा आएगा। खेल भी हो जाता था, हम एक दूसरे को जान भी लेते थे और मजा भी आता था। क्यों ना हम वो गेम खेले। या दैट्स अ ग्रेट आइडिया, खेलते हैं। ठीक है तो आप सब खेलिए, मैं खाना तैयार कर देती हूँ। अरे मंगल रुको ना, सब साथ में खेलेंगे तभी तो मजा आएगा। तुम खाने की टेंशन मत लो, मैं बाद में तुम्हारी हेल्प कर दूंगी। ओके सर प्लीज डिसाइड करिए आपको कौन सा पसंद है। बिल्कुल समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या पहनूं। महालक्ष्मी मैं मदद कर दूं। अरे नहीं बेटा तुम जाके रेडी हो जाओ, लेट हो जाएगा। अब लक्ष्मी को मैं हेल्प कर दूंगी। मैं तो प्लीज एक मिनट। लक्ष्मी तुम ये साड़ी पहनो। ये बाकी साड़ियाँ बहुत ही हैवी है तो कॉन्सर्ट के लिए ठीक नहीं है, थोड़ा ट्रेंडिंग भी तो लगे। लो थैंक यू मां। तुम्हारा पहला कॉन्सर्ट है, दोनों खूब मजे करना। जी पर मां आप भी होती तो अच्छा लगता ना। लक्ष्मी तुम इतना मत सोचो इस बारे में, और हाँ कॉन्सर्ट में कहीं खो मत जाना तुम। बहुत सी चीजों का तुम्हें ख्याल रखना है, जैसे अगर कार्तिक ने पानी मांगा तो उसे थोड़ा थोड़ा पानी देना है, न ज्यादा गर्म न ज्यादा ठंडा। जी लक्ष्मी मैं कुछ बता रही हूँ, पूरी बात तो सुनो। जी माँ आप बोलिए मैं सब कर लूंगी। हर एक गाने के बाद कार्तिक को एनर्जी ड्रिंक देना है, बीच बीच में जब भी वो आए तो मेकअप वालों के साथ टचअप करवाने के लिए कोऑर्डिनेट कर लेना है। सबसे इम्पोर्टेंट मीडिया वाले अगर आए तो उनको दूर रखना है, किसी को फोटो नहीं खींचने देनी है और फैंस को भी उसके आसपास नहीं आने देना है। सब कुछ याद रहेगा ना तुम्हें, भूल तो नहीं जाओगी। और अगर भूल भी गई तो आप है ना, आप तो याद दिलाएंगी। मैं हर एक गाने के बाद कार्तिक को एनर्जी ड्रिंक देना है, बीच बीच में जब भी वो आए तो मेकअप वालों के साथ टचअप करवाने के लिए कोऑर्डिनेट कर लेना है। वाह महालक्ष्मी क्या आइडिया लगाया, इंटेलिजेंट। कार्तिक जल्दी से पहुंचो वहां पे, मीडिया आ गया होगा, उन्हें वेट कराना अच्छा नहीं है, जल्दी जा। माँ लक्ष्मी को तो तैयार होने दीजिए। लक्ष्मी छोटी बच्ची थोड़ी है और इंटेलिजेंट है, आ जाएगी ये, तुम जाओ। हाँ कार्तिक जी आप चले जाइए, मैं आ जाऊंगी। ओके माँ अपना आशीर्वाद दीजिए। खुश रहो। बाय। हाँ माँ लक्ष्मी किसी भी चीज की जरूरत होगी फोन करना। बाय। कार्तिक का ध्यान लक्ष्मी में ज्यादा है, इस लक्ष्मी के चक्कर में कौन सा टाइम बिगड़ जाए। सौम्या जी मुझे ये खेलना नहीं आता है। तुमने कभी ट्रूथ और डेयर नहीं खेला मंगल? सौम्या जैसे तुमको खाना बनाना नहीं आता, कढ़ाई बुनाई नहीं आती, वैसे ही हमारी मंगल को ये खेल खेलना नहीं आता। हमारा मतलब है कि अब सौम्या खाना बनाना सीख जाएगी तो बस वैसे ही हमारी मंगल भी ये खेल खेलना सीखेगी। क्यों मंगल? देखो इस बॉटल का मुंह जिसकी तरफ रुका ना उसे जवाब देना पड़ेगा। लाओ शुरुआत हम करते हैं। आदित्य तो ट्रूथ या डेयर? ट्रूथ मतलब मैं तुमसे जो भी पूछूंगी तुम्हें उसका सही सही जवाब देना पड़ेगा, और डेयर मतलब हिम्मत, तुमसे जो कहा जाएगा तुम्हें वो करना पड़ेगा। तो बताओ ट्रूथ या हिम्मत? और हाँ मेरे सवाल इतने आसान नहीं होंगे, और जो तुमसे करने को कहा जाएगा वो तो उससे भी डिफिकल्ट होगा। बताओ ट्रूथ। ओके तो मुझे ये बताओ तुम अपनी बीवी मंगल से कितना प्यार करते हैं?